हेलो एवरीवन सो आज हम सी एस आई नेट मैथमेटिक्स की फरवरी 2022 में आए गए एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि यूलर लैगरेंजस इक्वेशन पे बेस्ड है तो जहां पर हम देख सकते हैं एक फंक्शनल दिया हुआ है कि आई वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन से वन टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स सब्जेक्ट बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है तो हम लोग इसका एक्सट्रीमल निकालना है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल वी हैव टू फाइंड आउट सो एंड दिस इज अंडर कैलकुलस ऑफ़ वेरिएशन. सो कैलकुलस ऑफ़ वेरिएशन के अंडर ये क्वेश्चन आता है सो वी विल राइट कैलकुलस ऑफ़ वेरिएशन. नाउ सो नाउ हमें यूलर लैग्रेंजस इक्वेशन अप्लाई करने के लिए उसका एक्सट्रीमल का फॉर्म लिखना पड़ेगा सॉरी फंक्शनल का फॉर्म लिखना पड़ेगा सो फंक्शनल यहाँ किस फॉर्म में दिया हुआ है आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी एल एल को हम वो फंक्शनल लेते हैं एल ऑफ एक्स वाई एक्स वाई ऑफ एक्स एंड वाई डैश एक्स अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डैश एक्स होगा और उसका फॉर्म ये होगा और उसका बाउंड्री कंडीशन वाई ऑफ एज इक्वल्स टू समन एंड वाई ऑफ बीवल्स गिवेन Then, then we can write the euler lagrange's equation as euler lagrange's equation ka form euler lagrange's equation can be written as del l by del y so we can write del l by del y minus d by dx of del L by del y dash is equals to zero. So this is the Euler Lagrange's equation given by del L by del y minus d by dx of del L by del y dash equals to zero. L is a function of x, y and y dash. Okay. As given in the equation. So we have to apply just this equation to get our value that is extremal. Okay. So, हम यहाँ कंपेयर करेंगे प्रीवियस इक्वेशन के साथ तो एल क्या आएगा हमारा टू एक्स वाई माइनस वाई डैस स्क्वायर एंड ए क्या आएगा माइनस वन बी क्या आएगा वन जस्ट क्या कंपेयरिंग प्रीवियस इक्वेशन सो अगर ऑयलर लैग्रेंजस इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डेल एल बाई डेल वाई ऑफ एल क्या है टू एक्स वाई माइनस वाई डैस स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई डैश विस्पेक्ट टू वाई डैश हम डिफ्रेंशियट करेंगे क्या टू एक्स वाई माइनस वाई डैश स्क्स वाई माइनस वाई डैश स्क्स टू जीरो नाव अगर इसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशियट करेंगे क्या आएगा हमारा टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ क्या करेंगे माइनस को बाहर ले आएंगे सो टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू वाई डैश क्या आएगा टू वाई डबल डैश टू जीरो सो यहाँ से क्या आएगा हमारा अगर टू हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डबल डैश और एक्स प्लस वाई डबल डैश टू जीरो। ओके? इम्प्लाइज यहाँ से क्या है? वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स सो यहाँ से हमें क्या निकालना है वाई ऑफ एक्स का वैल्यू हमें निकालना है ओके okay? so, करेंगे फिर से लिखेंगे y वहाँ से हमें वाई ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है सो इफ यू इंटीग्रेट वंस वाई डबल डैश को एक बार इंटीग्रेट करो तो वाई डैश आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी आर एच एस को भी इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स वो क्या आएगा माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक कॉन्स्टेंट रहेगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी वन ओके सिमिलरली सो so, y डैश x आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी वन पर हमें चाहिए y ऑफ x सो so, क्या करेंगे वंस मोर वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू dx एक्स ओके विद रेस्पेक्ट टू एक्स सो क्या आएगा एल एच एस वाई डैश विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंश इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा वाई ऑफ एक्स आएगा इज इक्वल्स टू इसको भी इंटीग्रेट करो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन डी एक्स ओके सो ये क्या आएगा माइनस एक्स टू दावर थ्री बाई सिक्स क्योंकि एक्स क्यूब बाई थ्री टू इंटू थ्री सिक्स प्लस सी वन एक्स प्लस और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंडिकेशन विच इज सी टू और ये है हमारा वाई ऑफ एक्स सो दिस इज आ वाई ऑफ एक्स बट विथ कॉन्स्टेंट सी वन सी टू हमें विदाउट कॉन्स्टेंट मतलब फ्री ऑफ कॉन्स्टेंट चाहिए वाई ऑफ एक्स क्योंकि हमारा ऑप्शन में विदाउट कॉन्स्टेंस दिया हुआ है सो वाट वी विल डू वी विल मेक यूज ऑफ द बाउंड्री y of -1 to -1 और y और बाउंड्री कंडीशन सो हमें उसका यूज करके c1 c2 कांस्टेंट्स टू की पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ minus 1 equals to minus वन ओके माइनस वन सो वाई ऑफ माइनस वन इक्वल टू अगर माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा y ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एक्स एक्स के जगह माइनस वन पुट करो माइनस वन होल सी वन के जगह माइनस वन प्लस वन सो वन बाई सिक्स माइनस सी वन एक्स प्लस सी टूल टू माइनस वन सॉरी वाला एक्स के जगह हम माइनस वन पुट कर चुके हैं सो एक्स विल बी नॉट देयर ओके सो माइनस सी वन क्योंकि एक्स के जगह हम माइनस वन पुट किए तो इसीलिए माइनस सी वन आया सो दिस विल बी माइनस सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन बाई सिक्स ओके दैट विल बी माइनस सेवन बाई सिक्स सो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन क्या आ गया अगर सी वन को इधर ले जाओ तो सी वन माइनस सी टू इज इक्वल्स टू सेवन बाई सिक्स तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया सिमिलरली और एक बाउंड्री कंडीशन से और एक इक्वेशन निकालेंगे ओके okay? फिर हम इसको सॉल्व करेंगे so so second boundary condition is y of 1 is equals to 1 so similarly proceeding as previous one क्या आएगा hamara यहाँ y of वन यहाँ वन put करो x की जगह तो y of वन is वन is equals to x के जगह वन put करने से माइनस वन बाई सिक्स प्लस सी वन प्लस सी टू बिकॉज एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह वन पुट की है ठीक है सो यहाँ पर वैसे क्या आएगा अगर इसे सॉल्व करें तो सी वन प्लस टू माइनस वन इधर जाके क्या आएगा प्लस वन बाई सिक्स सो वन प्लस वन बाई सिक्स इज़ इक्वल्स टू सेवन बाई सिक्स ओके दूसरा इक्वेशन आ गया सी वन प्लस टू सेवन बाई सिक्स सो दिस इक्वेशन टू विल नंबर इट ओके सो इक्वेशन टू को सॉल्व करो तो हमारा आ जाएगा यहां से सी वन एंड सी टू ओके से सी वन आ गया हमारा सेवन बाई सिक्सिलर जब्सटीट्यूट सी वन इन सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू सेवन बाई सिक्स सो यहां से सी वन सब्सटीट्यूट करने से क्या आएगा

तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सी बाई सीरोज सी टू इज जीरो से वाई ऑफ एक्स सिंप्लीफाइड एज माइनस एक्स टू दावर थ्री बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सिक्स एक्स सो दिसनल एंसर ओके दिस एक्सट्रीमल So, आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक like, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू